हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे डायोड रेजिस्टेंस, जिसमें हम डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस और एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में भी पूरा डिटेल में देखेंगे। सो आपको पता है कि एक डायोड जो है वो जब फॉरवर्ड बायस्ड रहता है तो वो कंडक्ट करता है बड़ा इजीली, और जब वो रिवर्स बायस्ड रहता है तो वो मतलब सारे करंट को रोक देता है। तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और एक तरह से वो ब्लॉक ही कर देता है सारे करंट को। तो इसलिए रिवर्स बायस में कोई रेजिस्टेंस हमें पढ़ना नहीं होता, हमें सिर्फ फॉरवर्ड बायस में पढ़ना होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में आपके दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं। क्योंकि आपका करंट दो तरह से हो सकता है, या तो डीसी या एसी, और हर एक करंट के साथ जो आपका रेजिस्टेंस है वो अलग तरह से बिहेव करता है। तो अगर आपका डीसी है तो आपका स्टैटिक रेजिस्टेंस होता है, तो डीसी या स्टैटिक रेजिस्टेंस हमको पढ़ना पड़ता है। और अगर एसी करंट मैंने दिया हुआ है तो एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस वो है वो यूज करना पड़ता है। सो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आपके हैं डीसी और एसी, यही दो तरह के रेजिस्टेंस आपको पढ़ने हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे बाकी के वीडियोस को जरूर चेक करें, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं आपकी जिनकी आपको प्लेलिस्ट प्रॉपर मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमको दें। सो स्टार्ट करते हैं पहले डीसी या फिर स्टैटिक रेजिस्टेंस। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस द डायोड टू द डायरेक्ट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये अगर मैं कहूं तो आपका बेसिक जो रेशियो होता है ना रेजिस्टेंस का, RV/I, वही होता है। मतलब अगर मैं यहां पर अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं, मान लीजिए एक कोई डायोड है और मुझे रेजिस्टेंस निकालना है एट पॉइंट पी, तो दैट विल बी नथिंग बट 0 से A। यहां पर मेरी है वोल्टेज और यहां पर है मेरा करंट, और यहां पर मैं बी ले लेता हूं, तो ये हो गया वोल्टेज बाय करंट। सिंपली मुझे और कुछ नहीं करना है, अगर पॉइंट पी पे निकालना है तो इस तरह से मैं ग्राफ से बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। स्टैटिक रेजिस्टेंस आपका बेसिक वही रेजिस्टेंस है जो आप अभी तक हमेशा करते आए हैं। सो एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय द डायोड टू चेंजिंग फॉरवर्ड करंट। अब होता क्या है, क्योंकि मैं चेंजिंग करंट है, मतलब जब मैंने साइनोसोडियल अपनी इनपुट दिया है, क्योंकि एसी इसी तरह का होता है, तो आपका जो क्यू पॉइंट होता है, क्यू पॉइंट जो आपका ऑपरेशन पॉइंट होता है, वो भी फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि एसी की वजह से बार बार इनपुट बदल रहा है। अगर आप देखेंगे कभी इनपुट यहां पर, कभी इनपुट ये हुआ, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू चेंज होती रहती है। उसकी वजह से क्या है, अगर इधर देखूं तो मैं, अब मुझे जब इसको अगर मैं जूम करके देखूं, मान लीजिए इसी पॉइंट पे मुझे अगर चाहिए, तो मैं इस मेथड से नहीं निकाल सकता डायनेमिक में। मुझे क्या करना पड़ता है, क्योंकि करंट को थोड़ा सा मुझे लेना पड़ता है कि चेंज इन करंट क्या हो रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं तो आपको ये पता है कि इसका स्लोप जो है 1/स्लोप ऑफ दिस विल गिव मी रेजिस्टेंस, ठीक है, द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप विल गिव मी द रेजिस्टेंस। तो ये अगर मैं देखूं, इसको अगर किसी तरह निकालूं, तो ये यहां पर आएगा चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज। इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना होता है तो डायनामिक रेजिस्टेंस में मैं इस तरह से ही निकालता हूं, तो मेरा जो रेजिस्टेंस हो जाता है डायनामिक वो होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा आई।
ये होता है मेरा डायनामिक रेजिस्टेंस या फिर एसी रेजिस्टेंस। सो एक रेजिस्टेंस का आपका एक्सप्रेशन भी रहता है, अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, दैट इज इक्वल टू ईटा वी टी डिवाइडेड बाय आई नॉट ई वी ईटा वी टी। ये आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अब मैं आपको इसके एक दो न्यूमेरिकल्स करके दिखा देता हूं कि किस तरह से न्यूमेरिकल, वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है बट अगर आ जाए तो किस तरह का आएगा वो मैं आपको। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है, दो तरह के क्वेश्चन रहते हैं, या तो इस तरह थ्योरेटिकल रहेगा या फिर वो आपको कुछ ग्राफ बना के और पूछ लेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको कराऊंगा ग्राफिकली, मैं ग्राफिकल का कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है, डिटरमाइन एसी रेजिस्टेंस फॉर अ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर हैविंग अ फॉरवर्ड बायस ऑफ 200 मिलीवोल्ट एंड अ रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर दे दिया है, मतलब वी टी अगर मुझे कहीं यूज करना होगा तो उसकी वैल्यू भी मेरे को पता है। सो रूम टेम्परेचर है, सबसे पहली चीज ही मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू ये होगी या फिर 0.026 वोल्ट। मैंने आपको पहले भी जब न्यूमेरिकल कराए थे डायोड की करंट इक्वेशन के, तब मैंने आपको ये कराया था। सो अब स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास वोल्टेज दे रखी है 200 मिली वोल्ट, मतलब 0.2 वोल्ट दे रखा है मेरे को फॉरवर्ड वोल्टेज। रिवर्स सैचुरेशन करंट भी मुझे दे रखा है आई नॉट, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर या फिर मैं कह सकता हूं 10 की पावर -6 एम्पियर। अब इसको करने के लिए आगे सिंपल फॉर्मूला मेरे पास है, आर इज इक्वल टू dV/dI, जो मैंने आपको पीछे अभी बताया था, ईटा वी टी डिवाइडेड बाय आई नॉट ई V by eta VT again। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पीछे अभी। सो वैल्यूज डाल लेते हैं। अब जर्मेनियम है तो दिस इक्वल टू 1, तो यहां पर ये वैल्यूज डाल लूंगा, 1 × 10⁻⁶ इंटू ई की पावर में 0.2 डिवाइड बाय 0.026। और यहाँ पर ये इसको जब सॉल्व करूंगा तो आप लोगों का आ जाएगा 11.86 ओम। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको करना कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना था। अब एक और क्वेश्चन जो कि ग्राफ का आता है वो मैं आपको। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन डीसी रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर द डायोड इन द फॉलोइंग फिगर एट ID इक्वल टू 2 mA पे और VD इक्वल टू -10 V पे। सो मैं अगर देखूं ID इक्वल टू 2 mA पे, यहां पर से देखता हूं तो यहां पर जो मेरा करंट है, ये मेरा करंट है, रेजिस्टेंस है वोल्टेज बाय करंट। तो अगर इसमें सिर्फ करना कुछ नहीं है, मैं सीधा अपना ग्राफ देखूंगा, मेरे को निकालना क्या है, ID 2 mA यहां पर इस पॉइंट पे मुझे निकालना है। 2 mA के लिए सीधा जाएगा तो यहां पर लाई कर रहा है, तो 2 mA मेरा ID, ठीक है 2 mA। तो उसके लिए करंट की, ये वोल्टेज की वैल्यू है जो मेरी, वो है 0.5 वोल्ट। अगर इसको सॉल्व करूं तो आएगा 250 ओम। सो ये मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई एट ID इज इक्वल टू 2 mA, मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। इसके बाद सिमिलरली मुझे ग्राफ से ही चेक करके ये भी देखना है कि सेकंड पार्ट कैसे मैं करूंगा। VD मेरा दे रखा है -10 V, -10 V आएगा मेरा लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ देखूंगा, जो यहां पर अगर मैं देखूं तो इन्होंने बनाया हुआ है VD -10 V
वोल्ट पर जो मेरा आईडी है वो है नेगेटिव 1 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब है 1 × 10⁻⁶ एम्पियर। तो रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं मैं। रेजिस्टेंस आ गया मेरा -10, मतलब वही वीडी बाय आईडी इंटू -1 × 10⁻⁶, दैट विल बी इक्वल टू 10⁵ ओम्स। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं अगर आएंगे तो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।